Hello everyone. Today we will discuss about upholstery materials and its process, how we can upholster furniture. I am Anamika Gautam, lecturer interior decoration, JWPC Sanganer, Jaipur. Let's first we should understand what is upholstery. Upholstery kya hoti hai? It is the materials which include fabric, padding, webbing and springs that make up the soft coverings of chairs, sofa and other furniture. It refers to the practice of providing furniture, most commonly seating, with padding, springs, webbing and fabric or leather covering. So isme hum materials jo laga rahe hain वो सब भी अपोस्ट्री कहला रहे हैं और उनको लगाने की जो प्रैक्टिस है वो भी अपोस्ट्री कहला रही है. इट इज़ द मटेरियल यूज्ड फॉर कवरिंग अ सीट एंड द सब्सटेंस यूज्ड फॉर फिलिंग इट. वो जो कवरिंग हम दे रहे हैं, वेदर इट इज़ ऑफ फैब्रिक, वेदर इट इज़ ऑफ लेदर, उसको हम नीचे उसके अंदर जो फिलिंग कर रहे हैं उसको भी हम अपोस्ट्री मटेरियल के नाम से जानते हैं. इट मेक्स द फर्नीचर मोर कम्फर्टेबल टू सिट डाउन. ऑफकोर्स जब कुशनिंग हो जाएगी तो वो कम्फर्टेबल हो ही जाएगा. सो इन अ नटशेल वी कैन से अपोस्ट्री इज द मटेरियल्स एंड प्रोसेस यूज टू कुशन एंड कवर द फर्नीचर. अभी हमने बात की कि अपोस्ट्री क्या होती है. अब अपोस्ट्रिंग के मैथड्स क्या होते हैं. ट्रेडिशनल वे, in the traditional method of upholstering furniture, the upholsterer uses materials like coil springs, horsehair, coir, hessians, scrims, wadding, etc., and is done by hand and building each layer up. And in modern way, in contrast to the traditional way, today's upholsterers employ synthetic materials like Dacron and vinyl, serpentine springs, foam sheets, etc. Today we will learn about the traditional method of upholstering and its step-by-step process along with the materials used. In this process of upholstering, the step one is preparing a frame structure for a sofa. We are taking here a sofa. The first step towards upholstering a furniture is to make a frame of wood or metal. But in traditional times, in traditional upholstery, we used to make the frame of wood. The parts of the frame need to be joined firmly to make the frame structure strong enough, as it has to bear the weight of the user. Here is the image of wooden frame structure. हम example के लिए आज sofa ले रहे हैं, उसी का ये एक image है. Now comes the second step. जब हम wooden frame structure ready कर लेते हैं, उसके बाद हम जो second step है, वो है webbing की. हम एक वेब रेडी करते हैं. वेबिंग इज यूज्ड फॉर द बेस और फाउंडेशन ऑफ अ सोफा एंड शुड बी प्रॉपरली स्पेस्ड टू सपोर्ट एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट ऑफ द यूजर. इंग्लिश वेबिंग विद अ हेरिंग बोन वीव हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड इज रिकमेंडेड फॉर ऑल ट्रेडिशनल अपोस्ट्री. वेबिंग शुड बी डन इन बास्केट वीव फैशन. जब हम वेबिंग कर रहे हैं तो उसकी जो वीविंग है वो हमारी किस स्टाइल में होगी, बास्केट वीव बनाते हुए हम उसको वीव करेंगे. टैक्स, गिम्प पिंस एंड स्टेपल्स आर यूज टू अटैच वेबिंग टू द फ्रेम ऑफ द फर्नीचर. और वो वेबिंग अटैच कैसे होगी उस फर्नीचर, उस वुडन स्ट्रक्चर के, टैक्स के थ्रू, गिम्प पिंस एंड स्टेपल्स. Here is the images of webbing. इसमें आप देख रहे हैं बास्केट वीव फैशन में वीव किया हुआ है
और उनको डेक्स की सहायता से वुडन फ्रेम पे अटैच किया जा रहा है। अपहोल्स्टरिंग में जो भी मटेरियल्स यूज आते हैं उनको भी हम साथ साथ समझते हुए चलेंगे। वेबिंग मटेरियल्स, अभी हम वेब की बात कर रहे हैं, हम वेब बना रहे हैं, उसके लिए जो वेबिंग मटेरियल्स यूज होते हैं या जो अवेलेबल है, ब्लैक एंड वाइट इंग्लिश वेबिंग विच इज 5 सेंटीमीटर और 2 इंचज वाइड एंड इट हैज़ अ हेरिंग बोन वीव एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मटीरियल फॉर द वेबिंग। अनदर वन इज जूट वेबिंग, इट इज़ ऑल्सो 5 सेंटीमीटर वाइड और 2 इंचज वाइड एंड इट कैन बी यूज एट द बैक ऑफ द फर्नीचर और द सोफा वी आर टेकिंग राइट नाउ, सो द बैक आर्म देन द सीट्स ऑल्सो। एंड पिरेली वेबिंग इज अ रबर वेबिंग यूज एज अ फ्लैट स्प्रिंग ऑन सीट्स एंड बैग्स, इट इज ऑल्सो अगेन 5 सेंटीमीटर और 2 इंचज वाइड एंड दिस टाइप ऑफ वेबिंग मेक्स अ फर्म एंड रेजिलियंट बेस फॉर अ सीट कुशन। इट समटाइम्स ये क्या होता है, रेजिलियंट है और फर्म भी है, तो ये कई बार स्प्रिंग की जगह या स्प्रिंग की तरह भी काम करती है। अदर मेक्स ऑफ रबर वेबिंग आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट एंड द अनादर वन इज पॉलीप्रोपिलीन वेबिंग, इट इज मच चीपर देन द अदर टाइप्स वी आर टॉकिंग अबाउट। हियर इज द इमेज ऑफ वेबिंग मटीरियल्स, अभी हमने अर्लियर स्लाइड में बात की, नंबर वन जो हमारा हमने बात किया वो था इंग्लिश वेबिंग एंड नंबर टू इज जूट वेबिंग एंड द नंबर थ्री इज पिरेली वेबिंग। फैबिंग जब हम कर रहे हैं तो वो वेब जो हम बना रहे हैं वो वुडन फ्रेम से अटैच हो रहा है टैक्स और गिम्पेंस और स्टेपल से। तो जो हार्डवेयर हम यूज़ करते हैं वेबिंग के लिए वो है और टैक्स हैं, फाइन टैक्स विद अ स्मॉल हेड एंड इम्प्रूव टैक्स विद अ लार्ज हेड आर यूज्ड इन ट्रेडिशनल अपहोल्स्ट्री। द मोस्ट यूजफुल साइजेज आर 10 mm, 13 mm एंड 16 mm। And another hardware we use for webbing, gimp pins. Those are available in many colors in sizes of 10 mm, 13 mm, and 16 mm. They are small, fine pins with a flat head used for attaching gimp and braids. The third material, the third hardware we use for the webbing, is staples. Used with webbing materials of course and inserted with a staple gun. ये staple gun की सहायता से हम wooden frame में stapling कर देते हैं web को। The most useful sizes are 8 mm, 10 mm and 14 mm. As you can see the image here, अभी हमने बात की hardware की, तो जो number one था वो हमारा था tacks, नंबर टू वॉज गिम्पिंस एंड द थर्ड वन इज स्टेपल्स। इस लेक्चर में आज हमने अपहोल्स्ट्री की जो प्रोसेस है वो और उसके साथ ही उसके लिए यूज आने वाले मटेरियल्स की कुछ स्टेप्स को हमने, कुछ चीज़ों को, मटेरियल्स को हमने डिस्कस किया है और आगे की स्टेप्स और मटेरियल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।